उस माँ गंगा की स्तुति सुनाते हैं। क्या कहा हे जी कर्या करो श्री गंगा में आसना जी हे जी कर्या करो श्री गंगा में आसना सभी ने सुनी हुई कि कैसे 60,000 पुत्र सगड़ के अश्वमेघ यज्ञ करा दिया, शाम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया, तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवा दी, जहां से घोड़ा घूमे या तो सगड़ की आधीनता स्वीकार या युद्ध स्वीकार हो। इंद्र भगवान ने देखा नहीं तो धरती पर सगड़ रहेगा तो युद्ध में इसको नहीं हरा सकता। ये कहते न्यूनता सूरज ढलार इंद्र ने घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम का बार बांध दिया। 5-7 रोज गुजर के घोड़े की को खबर नहीं आई। वे 60,000 पुत्र फौज लेकर चलते कि रो उसकी खोज करो, घोड़ा तो किसने बांध लिया, मुछा ने पिनाए खड़े रहो, फादा के होया यक्का। और जाकर देखा कि ऋषि तपस्या में बैठा, घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहा, जाकर मजाक उड़ाओ देखो रे रम मोटा करड़ाई बुला रहा दे सगड़ का घोड़ा बांध रहा। और जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते। कहते हो भजन टूट जाता है क्रोधित होकर। कपिल मुनि ने जिधर भी दृष्टि डाली सारी फौज सारा परिवार फूंक कर भस्म कर दिया। अंशुमान सगड़ का पोता परिवार की मुक्ति के लिए रोता बिलखता घूमता, हे परमात्मा एक ऋषि के श्राप से नष्ट हुए, इनकी आत्मा भटकेगी, इन्हें शांति नहीं मिलेगी। वहां गरुड़ की मुलाकात हुई अंशुमान से, निबला रो मत, आत्मा नहीं भटकेगी, मुक्ति हो जाएगी, क्यूकर हो जाएगी, इनकी अस्थियां इनके फूल गंगा जी में बा दिए जाए, इनकी मुक्ति हो जाए। निबला गंगा के हो गए, देखिए जब तक गंगा धरती पर नहीं थी और आज भी को मरे जब भी गरुड़ बचवा अगर क्यों बचवा गरुड़, क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। निबलारे के हो सके गंगा देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी, खराड़े क्यों कर आओ भजन करने से आवे। इस गंगा ने लियान खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। फिर अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लेने में जो कर गए काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। पांचवी पीढ़ी में भागीरथ आ सजनो, पांचवी पीढ़ी में भागीरथ आ। कैसे क्या कहानी में पहली कड़ी में ये कह दिया सनतान कर।
श्रोताओं ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। आदरणीय डीएसपी साहब मनोज गौतम जी गंगोत्री की यात्रा करा के आए थे। अरे सारा वो नजारा, वो इतिहास जो वहां हिमालय से चलता वो आपके सामने। कहते हैं पांच पीढ़ी जब तब करते हो गए, पांचवी पीढ़ी में भागीरथ आया, उसने भी परिवार की रिवाज ने भाई कि जब तक गंगा धरती पर नहीं आओगी हमने उसका वजन करना। राजपाट छोड़ दिया करने लगे तप घोर, 1000 वर्ष तक तपे चिंता ना थी मन में, और मैं मृत लोक में लाऊ गंगा उन लाए डीजो टीजोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा दिया वरदान, अरे गंगा जी भी आ जाएगी पर पहले करो शिव का मान, शिव के बिना इस धरती पर को डटनिया ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती, शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग, गंगा थी गुमान भरी करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगा जब शंकर ने भी पा लीजिए संग, क्यों? क्योंकि जब मूसलधार बरसन लगी शिव शंकर ने डटा गात, बिंदु सारी हिमालय पे छोड़ दे धार सात, तीन धार पूर्व का नी तीन पश्चिम का निजात। ये कहते हैं सजनो 1000 साल जब भागीरथ को तप करते हो गया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्यों बैठे हो? रे महाराज गंगा के लिए गंगा नहीं आओगी, गंगा एक धारा भी छोड़ देगी तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। अगर गंगा को लाना तो पहले उसने शंकर भगवान की तपस्या करो, उसने राज्य करो, उसने को धरती पर डाइट नहीं सकेगा। और सूर्य वंश की तपस्या पूरी हुई और जब 1000 साल भागीरथ को तप करते हुआ तो गंगा उसी हिमालय पर गौमुख के आकार से वो प्रकट हुई सूर्य कुंड पर। कहते हैं कि शंकर भगवान की जटाओं में समागी, और गौरी कुंड पर कोई भी देखो ये तो नजारा देखने का है, हिमालय में चढ़ो। गौरी कुंड पर शंकर भगवान ने अपने केस खोल दिए और फिर उत्तरकाशी से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, आगा का भागीरथ, पाछा पाछे गंगा क्यों करागी के कर दिया बहुत सही। धाम पे जाओगे केस होता पाओगा,
जो घने रुपये दे रहा होगा वो चाहे भीतर भी से ले जाओ, और घने रुपये दे रहा होगा वो चाहे बाबा प्रताप भी फेर लियो, और जो गरीब आदमी है उसकी लागसल लेन, और जब वो शाम ही पहुंचे नि दर्शन करने उड़ा पुजारी मरण तक के तगड़ा चले नहीं कदे मोमो कहता हूं तुम भी गई हो गई पीछाला भी तेरे दूसरा तो एक गंगा ही है उड़ा गरीब अमीर को इस ले जाओ कुर्ते काटने पड़ेंगे गरीब ने भी अमीर ने एक सा व्यवहार से गरीब आओ से अमीर आओ कोई आओ एक सा व्यवहार सबके साथ अरे एक और पाओगा कितने जानियो टाइम लिखा पाओगा कपाट इतने बजे खुलेंगे इतने बजे बंद इसका कोई कपाट बंद नहीं कोई बजे दिन रात कोई जाओ कोई फर्क नहीं हर समय कपाट खुले क्यों क्योंकि ये माँ और माँ का कपाट कभी बंद नहीं होता एक बच्चे के लिए माँ का कपाट बंद नहीं होता किसी टाइम भी आओ और कोई भी आओ इसके न्यू भी फर्क नहीं है मस्जिद वाले न्यू कह देंगे और कोई धर्म नहीं पड़ेगा हम मुसलमान ज्यादा गुरुद्वारे में न्यू कह देंगे आड़ पढ़ना है तो पहले यो बंद हो यो बांध के जाना पड़ेगा उड़े कोई से ले जाओ उड़े किसी की रोक नहीं है तीसरे नंबर पे जी का साथ हो गया